हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है क्लास 12 का एक चैप्टर, बायो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और ये सीरीज का सेवेंथ पार्ट है, ठीक है, ये सीरीज का सेवेंथ पार्ट है। इससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। और अभी तक आप मेरे इस चैनल पर इन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, तभी आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप मैनर में काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो अगर हम आज के क्लास की बात करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कॉम्पिटेंट सेल्स के बारे में, कॉम्पिटेंट सेल्स या कॉम्पिटेंट होस्ट आप बोल सकते हो। और ये बेसिकली किस प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये बहुत इजी भी है और आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देखो बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करते हो तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सपोज आपने कोई एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल्स के अंदर आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो ये क्या हो गई, होस्ट सेल। अब इस सेल की ये क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस होस्ट सेल, सपोज फॉर एग्जांपल ये एक प्रोकैरियोटिक होस्ट है, मींस प्रोकैरियोटिक होस्ट है, तो हमने यहां पर बात किया कि इस चिड़िया कोलाई है, तो इनका ये क्या होगा, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब देखो जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है, तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये एक तरह का कैसा मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। ऐसा क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो बेसिकली किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो यहां पर थ्री डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। एक को आप बोलते हो पेंटोज सुगर, दूसरे को आप बोलते हो नाइट्रो जिनस बेस, और तीसरे को आप बोलते हो फॉस्फेट ग्रुप। इसी फॉस्फेट ग्रुप पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल जो डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। और डीएनए इन्हीं थ्री डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। इन्हीं तीन कॉम्प्लेक्स जब एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक बॉन्ड की हेल्प से कनेक्ट होते हैं तो इसी को आप बोल देते हो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हमने प्रीवियस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। तो यहाँ पर ओवरऑल थीम ये है कि डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए एक तरह का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, एक तरह का एसिडिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलता हूँ। तो जितने भी, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पोलर मॉलिक्यूल, और कुछ मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जो पोलर होते हैं ना बच्चे, ये वाटर के साथ क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं ना, ये वाटर अनसॉल्युबल होते हैं, वाटर अनसॉल्युबल। पहला डिफरेंस आप ये याद रखना, पोलर जो होते हैं वो हमेशा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं। नॉन पोलर जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, तो हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल नेचर के होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक में अगर मैं बात करूं तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएगा। तो ओवरऑल थीम ये है बच्चे कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस आता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज होते हैं या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये कभी भी सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं। तो आप बोल सकते हो पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, या आप बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दीज मॉलिक्यूल्स पास द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एक बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल नेचर के होते हैं, साथ में ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हाइड्रो वाटर अनसॉल्युबल होते हैं, साथ में हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी आप कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में बात करते हो, तो कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में आप ये अंडरस्टैंड करो कि कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने कंस्ट्रक्ट किया है इसको होस्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टू टेक, ये अपटेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, फाइनली पास ऑन नहीं कर पाएगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास ऑन नहीं कर पाएगा और अंदर नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। तो इस होस्ट सेल को आप सबसे पहले क्या करते हो, कॉम्पिटेंट सेल बनाने की कोशिश करते हो। और कॉम्पिटेंट सेल बनता कैसे है कि इस इकोलाई को आप ट्रीट करोगे डाइवेलेंट कैल्शियम कैटायन के थ्रू, ठीक है। अब देखो, तो अगर मैं यहां पर अंडरस्टैंड करूं, तो किसी भी सेल को स्पेसिफिकली अगर कॉम्पिटेंट सेल्स को कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करना है, तो आप यहां पर ये अंडरस्टैंड करो, कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट होस्ट मीन्स ये क्या कर रहा है, टू अपटेक टू टेक अप द डीएनए टू टेक अप द डीएनए टेक अप द डीएनए। अब ऐसा कैसे होगा, मीन्स कॉम्पिटेंसी कैसे इंक्रीज होगी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस सेल को, किसी भी सेल को अगर कॉम्पिटेंट सेल्स बनानी है तो इसको आप ट्रीट करोगे किसकी हेल्प से, टू मेक अ कॉम्पिटेंट सेल। तो इसको फाइनली आप क्या करोगे, ट्रीट विथ, किसे ट्रीट करोगे, टू ट्रीट द स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटायन, ठीक है। अब डाइवेलेंट कैटायन के ऊपर कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, और जनरली यहां पर आप कैल्शियम या मैग्नीशियम से उस सेल को क्या करते हो, ट्रीट करते हो। जैसे ही आपने इस कैल्शियम और मैग्नीशियम से आप ट्रीट करोगे, तो बेसिकली होगा क्या कि इस सेल की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, विच इंक्रीजेस द इफिशियंसी विथ विच डीएनए इंटर इंटू द सेल, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी आप किसी सेल को कैल्शियम और मैग्नीशियम के एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन से आप ट्रीट करोगे, तो बेसिकली यहां पर छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, यहां छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ये सभी क्या है, स्मॉल पोर्स फॉर्म हो जाएंगे आफ्टर
ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जब छोटे छोटे स्मॉल पोर्स क्रिएट होंगे तो आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी सेल की कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करना होता है तो हम उस सेल को एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में डाइवेलेंट कैटायन की प्रेजेंस में हम उसको ट्रीट कर देते हैं, तो बेसिकली ये पोर्स क्रिएट कर देते हैं। ये बात सभी को क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम बेसिकली डाइवेलेंट कैटायन से इसको ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड अगर हम बात करते हैं वेक्टर वेक्टर लेस मीडिएटेड प्रोसेस, तो वेक्टर लेस मीडिएटेड प्रोसेस में दो प्रोसेस को आप यहां पर अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एक को हमने बात किया केमिकल मेथड, एक हमने क्या बात किया केमिकल मेथड, और इस मेथड में बेसिकली आप पैग का यूज करते हो, मींस यूज ऑफ पॉली इथाइलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, पीईजी, ठीक है। दूसरा प्रोसेस यहां पर यह है कि फिजिकल मेथड में बेसिकली हम बात करते हैं इलेक्ट्रो पोरेशन की हेल्प से हम बात करते हैं यहां पर। दूसरा मेथड ये है कि पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड का हम यूज करते हैं, और तीसरा मेथड हम यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, बेसिकली अगर हम बात करते हैं, यहाँ छोटे छोटे कुछ इंफॉर्मेशन हैं, हम इसको और नोट डाउन कर देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रो पोरेशन तो इलेक्ट्रो पोरेशन में हम करते क्या है कि क्रिएशन ऑफ पोर्स, ठीक है, पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ अ हाई फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में हम इलेक्ट्रिक पल्सेस का यूज करके सेल मेम्ब्रेन में क्या क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो दूसरा प्रोसेस है माइक्रो इंजेक्शन। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, तो माइक्रो इंजेक्शन में आप बहुत एक्सटेंसिवली, आप कहां पे यूज करते हो, इन एनिमल सेल्स में, ठीक है। तो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एनिमल सेल्स, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या करते हो, तो माइक्रो इंजेक्शंस का आप यूज करते हो, माइक्रो इंजेक्शन डीएनए इनटू प्लांट सेल्स। तो पहली चीज, एनिमल सेल्स में बहुत कॉमनली यूज होता है, और माइक्रो इंजेक्शन का यूज आप प्लांट सेल्स के अंदर भी करते हो, ठीक है। तीसरा प्रोसेस यहां पर अगर हम अंडरस्टैंड करें तो तीसरा प्रोसेस ये है कि यहां पर हमने क्या बात किया, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, ठीक है, बम्बार्डमेंट, ठीक है, MENT, ठीक है, या इसी को हम बोल देते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल, इसी को हम क्या बोल देते हैं, और माइक्रो प्रोजेक्टाइल, ठीक है, या हम इसी को बोल देते हैं, इसके कई अल्टरनेट नेम हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं बैलिस्टिक बम्बार्डमेंट,
ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप करते क्या हो कि जो आपका फॉरेन डीएनए है या डिजायर्ड जो डीएनए है उसको आप कोट करते हो, कोट विथ गोल्ड या टंगस्टन, या टंगस्टन से आप क्या करते हो, कोट करते हो, और इसको आप अपने टारगेटेड सेल्स पर बहुत ही हाई वेलोसिटी से आप क्या करते हो, हिट करते हो, हिट इन वेरी हाई वेलोसिटी एट वेलोसिटी हिट इन अ वेरी हाई वेलोसिटी ऑन टारगेट सेल, या इसी को आप बोलते हो होस्ट सेल। तो ये थ्री डिफरेंट फिजिकल मेथड हैं जिसमें आप बेसिकली आप बात करते हो इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन एंड पार्टिकल बम्बार्डमेंट। तो ये आपका प्रोसेस है कैसा, फिजिकल मेथड से आप जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हो। दूसरा आप पढ़े केमिकल मेथड जिसमें आप पेग या इलेक्ट्रो पेग या डाइवेलेंट कैटायन की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो सेल्स को, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। और बच्चे आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप अगली सीरीज किस चैप्टर का चाहते हो, ठीक है, मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूँगा ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है कि आप सभी बच्चों को इस टाइम पर, इस डिजिटल एरा के टाइम पर फ्री एजुकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।